अच्छा क्या तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि हमारे बाद तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कौन बड़ी बात है? बिहार के अगले मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही है, इसमें कोई शक है क्या? ये बात तो तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने आज गया में तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जहां मीडिया कर्मियों ने उनसे जब तेजस्वी यादव के ताजपोशी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बड़े ही झटकते हुए ये कह दिया कि इसमें कोई दो राहें हैं क्या? ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि महागठबंधन के अंतर्गत तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने बीते दिनों ये बयान दिया था कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव अगर महागठबंधन एक साथ मिलकर लड़ती है बिहार में तो उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। बिहार में अगले मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होंगे। ना जाने कितनी ही दफा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को हमेशा आगे बढ़ाने की बात कही है, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो या फिर मीडिया कर्मियों से बातचीत करना हो, लगातार वो तेजस्वी यादव की तारीफें करते नहीं थकते हैं। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बातें उनकी तरफ से कही जाती है। ये कहा जाता है कि अब युवाओं को आगे बढ़ाना है, अब इन्हें काम सौंपना है, इन्हें जिम्मेदारी सौंपनी है। ये क्लियर हो चुका है बिहार की राजनीति में कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी साल 2025 में निश्चित है अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। हालांकि इन दिनों आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, महागठबंधन के भीतरी घमासान जो है उसकी खबरें निकलकर लगातार आ रही हैं और इस टकराव के बीच अब हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जहां एक तरफ महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में बड़ी टूट होगी, जहां बिहार की सरकार एक बार फिर से तितर बितर हो जाएगी, तो वहीं जीतनराम मांझी ने आज समाधान यात्रा के दौरान ये साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय है, उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। अब देखना यह है कि जिस जीतनराम मांझी को एक समय में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था बिहार का, और अब जीतनराम मांझी के द्वारा इस तरह की बयानबाजी तेजस्वी यादव को लेकर की जा रही है, तो जदयू नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? क्या जदयू नेता जीतनराम मांझी के इस बयान को सुनकर खुश होंगे या फिर उनमें खासी नाराजगी देखने को मिलेगी? क्योंकि जदयू नेताओं का इस तरफ इन दिनों जो रुख है वो बेहद मुखर है आरजेडी को लेकर। अब देखना यह है कि जीतनराम मांझी के इस बयान पर बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। छोड़ जाते हैं जीतनराम मांझी की इस पूरी बातों के साथ। मांझी जी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? कई सुशील कुमार मोदी कुछ अलग बोल रहे हैं। वो लोग शायद ये अखबारी लाल जी हैं, कुछ बोलते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। महागठबंधन में हम लोग हैं, महागठबंधन चट्टान की तरह से एकदम एकजुट है और यहाँ किसी प्रकार की कोई बात होने वाली नहीं। तेजस्वी बिहार को लेकर काफ़ी चर्चा है। क्या तेजस्वी के लिए लिखा गया है जो ट्विटर पर तेजस्वी बिहार? अच्छा क्या तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि हमारे बाद तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कौन बड़ी बात है?